गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी टाइम है अराउंड 11:45 और मेरी जो सुबह वाली मीटिंग होती है जो 11 पे शुरू होती है और जिसका कोई टाइम नहीं होता खत्म होने का, तो वो खत्म हो गई है अभी। और सॉरी आ गया है पीछे से लड़ने के लिए। और मैं आज बहुत दिनों बाद इस टाइम पे जो है अपना व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है मैंने। एंड गाइस, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे कोई होश नहीं रहता था, मैं कभी 3 बजे उठता था, कभी 4 बजे, कुछ दिनों से तबीयत के कारण। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक थी और काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज सुबह के टाइम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग शूट करना। और नहाना धोना सब हो गया है, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और सूर्य मुझे परेशान कर रहा है। अभी माचिस उठा के ले गया यहाँ से। पिटेगा तू, बदतमीज बंदा, खा जाऊंगा मैं तुझे। कुछ कुछ ये रहा उल्टा देख देख, भाग जा, परेशान करने आ गया। एंड गाइस, मैं अभी वेट कर रहा हूँ फार्मेसी से, कुछ मेडिसिन डिलीवर होनी थी। तो मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले डिलीवरी बॉय का फोन आया था कंफर्मेशन के लिए एड्रेस के, तो मैंने एड्रेस तो कन्फर्म कर दिया था, वो आता ही होगा थोड़ी देर में। और वो एक्चुअली हुआ यह था कि वो मेडिसिन खत्म हो गई थी और जब भी मुझे बुखार होने वाला होता था तो मैं वही मेडिसिन ले रहा था, और इस बार क्या हुआ कि वो खत्म हो गई थी तो मैं नहीं ले पाया और आपको पता ही है फिर बुखार हो गया था। तो अब इसलिए पहले से ही मैंने एडवांस में मंगा के रख ली सारी मेडिसिंस की, अब जब भी कभी ऐसा लगेगा कि फीवर होने वाला है तो फटाक से दवाई ले लेंगे और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी कि फीवर ही नहीं होगा, फिर तो दिक्कत भी नहीं होगी कुछ। और सोया बैंड्रूज खा जाऊंगा मैं तुझे, परेशान मत किया करो मुझे। गिर गया, खड़ा हो, ये जहाँ देखो वही परेशान करने आ जाता है ये बात। अच्छा 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 अच्छा, आ गया आ गया, मान जा। लो भाई, सोरेर दवाई ले ली, सोरेर दवाई लेके आ गया, दिखा दे मुझे दे। तो ये भाई डिलीवर तो हो गई दवाई, चलो सोरिया खोलेंगे अभी ने, वो वेरीफाई कर लेते हैं कि सारी दवाई है जो ऑर्डर की थी। तो सोरिया गया है अभी हथियार लेने के लिए, दिखा सोरिया जल्दी, दो चाकू दो, आजा खोल लेंगे जल्दी, भाग गया। तो आज हम करेंगे पहली बार दवाइयों की अनबॉक्सिंग। सोरिया आर यू रेडी, अजय इधर आ, यहाँ पे आके देख तू, इसमें सही है सब कुछ नहीं है, पीछे से खोल लेते हैं। सोरिया तेरे लिए कुछ नहीं है इसमें बेटा, इतना ध्यान से मत देख, तेरे लिए कुछ नहीं है। कितने ध्यान से देगा सोरिया को, देखो है ना कितना खुश हो रहा, कितना खुश हो रहा। हाँ क्या है इसमें, अबे ये तो दवाई भी पूरी लग रही मुझे तो। अरे ये तो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया था, ये क्या दे दिया इन्होंने, विस्पर ये शायद इन्होंने बच्चों के लिए दिया है, बच्चों का है, लेडीज का है, टू पैड्स बच्चों का है सर, ऐसा ऐसा शायद बोनस दिया होगा आई थिंक। और ये है दवाइयाँ सारी की सारी, ये देखो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं और इन्होंने गलत दवाइयाँ भेज दी, इसमें दो कम है, मतलब गलत नहीं, मैंने इनसे खांसी की सिरप भी मंगाया था तो वो इन्होंने भेजा ही नहीं। और यार ये पता नहीं क्या काम करते हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड। अब इन्हें मुझे फ़ोन करके बोलना पड़ेगा फार्मेसी के एंड पे कि भाई लोगों आप लोगों ने तो जो है दवाइयाँ पूरी नहीं भेजी, फालतू में काम बढ़ा दिया, वो यार कंप्लेंट रेज करूँगा, पता नहीं कब भेजेंगे, कितना टाइम लगेगा, अब क्या कर सकते हैं, करनी तो पड़ेगी बस। सो गाइस, काफ़ी देर हो गई ऑफिस तक काम करते हुए, अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है अराउंड 4:30 और कमर काफ़ी दुखने लगी यार बैठे बैठे। और हाँ अभी तो मैं शायद एक दो दिन और जिम ना जाऊँ क्योंकि जो है अभी इतनी हिम्मत नहीं है, मसल्स की जो है ढीली पड़ गई भाई, 5-6 दिन हो गए जिम नहीं गया, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है बॉडी को। और लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अभी तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ी एनर्जी आ जाए, थोड़ी एनर्जी रिगेन कर लूँ, फिर दोबारा से जिम स्टार्ट करूँगा। और गैप आ गया वैसे काफ़ी अच्छा खासा लंबा, कोशिश करता हूँ कल तक बॉडी अच्छे से रिकवर कर ले, तो फिर कल से रिज्वाइन कर लूँगा जिम और फिर से अपना वही नॉर्मल डाइट जो है डेली खाता था अभी तो, क्योंकि कुछ नहीं खाया जा रहा भाई, क्या नाम है, बादाम वगैरह प्रोटीन से कुछ नहीं, ना भाई नट बटर कुछ नहीं खा रहा, सिर्फ जो वो या बीमारों वाला खाना खा रहा हूँ कुछ दिनों से। तो जल्दी खा ले खिचड़ी, लेके नहीं जाने का फिर तुझे मैं, जीते क्यों काला हो रहा, काला काला गंदा हो रहा, सॉरी है, चल आ जल्दी वो पैर पहने, चल सैंडल पहन, चल सैंडल पहनो, चलो आ जा। सो गाइज, अभी फ़िलहाल जाना है मुझे मामा के यहाँ पे क्योंकि ज्योति जो है वहीं पे गई है एक दिन के लिए और वो दवाई भूल गई खाना की यहाँ पे, तो मुझे दे के आनी है। और सूर्य भी अब जिद कर रहा है साथ में चलने के लिए, तो मम्मी उसे सैंडल पहना रही है और फिर चलते हैं।
जल्दी पहन ले और खिचड़ी तो इसने खाई नहीं, चला के खा लेगा फिर। क्या कह रही है तुझे वो, बुला रही है क्या तुझे, बुला रही है, चला जा तू, अरे चला जा, चला जा, तू यहीं रह, तू यहीं रह, क्यों चढ़ रहा तू स्कूटर पे, जब मुझे लेके नहीं जाना, बैठ गया देखो चढ़ के। मामा का सेम शहर में होने के भी अलग ही मजे हैं और साथ ही साथ नुकसान भी हैं। सूर्य के भी मामा पड़ोस में रहते हैं और हमारे मामा ही पड़ोस में रहते हैं, तो एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को, और कई बार रिग्रेट भी फील होता है कि अगर दूर होता तो कहीं दूर जाते घूमने, या पास के पास में जब मन करता है चले जाते हैं। सूर्य चील है? चील उड़ रही है आसमान में। इतना बड़ा हरामी है गुड़िया को उतार के खुद चढ़ गया, ये कितना बड़ा लग रहा है ऐसे बैठा हुआ अभी। क्यूट गुड़िया को उतार दिया इसने सूर्य बंदर ने। ए भाई रे, चलो भाई भैया को एक अच्छे से झुंडा दे देते हैं, झुलाऊं? लेकिन मेरे दोनों हाथों में तो सामान है, कैसे झुलाऊं तुझे? एक हाथ में गुड़िया, एक हाथ में फोन है, तुझे कैसे झुलाऊं मैं, कैसे झुलाऊं, ए कैसे झुलाऊं, ऐसे पैर से चलो, तो पैर से बस। अब तो उतर जा, बहुत झूल लिया है बे, बस उतार लूं। सूर्य चिपकली, सूर्य चिपकली, खा जाएगी तुझे बोरी, भागी भागी। इधर आओ, इंजेक्शन लगवाओ जल्दी, इंजेक्शन लगवा, देख डॉक्टर अंकल बैठे, जल्दी आ, वेट कर रहे तेरा, मान जा पिटेगा भी। अभी फिलहाल हम आए थे बच्चों के डॉक्टर के यहाँ पे गुड़िया को दिखाने के लिए, शाम से छीके जा रही है तो अभी दिखाते हैं, अभी अपॉइंटमेंट तो ले लिया है तो वेट कर रहे हैं नंबर आने का। कहाँ तेरे, यहाँ निकाल दिए तूने, पहने ने, चलो पहनो, चल पहनो खुद, तू मत जा भारी रहे, तेरा काम नहीं अंदर, अगर तुझे इंजेक्शन लगवाना हो तो चला जा अंदर, इंजेक्शन लगेगा अंदर, गुड़िया के इंजेक्शन लगेगा, तू मत जा, अच्छा पिटेगा, नहीं अंदर नहीं जाना, इंजेक्शन लगेगा अंदर, क्या परेशान मत कर, नहीं गंदी बात, क्या भैया बैठे ना कुर्सी पे, अभी भैया बैठे ना, नहीं तू उधर बैठ जा, अच्छा इधर आ जा, यहाँ बैठ, नहीं चल अपनी सैंडल भी पहन, हल्का सा कोल्ड है बस, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, तो अब दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर और फिर चलते हैं यहाँ से। चले भाई चलें, चलो छोटे से बच्चे को भी इतनी सारी दवाई लिख के दे दी। अभी शुभम निकाल रहा है गुड़िया की कुंडली, अभी तो नाम, तो नाम तो कुछ सोचा ही नहीं, नाम क्या डालेगा अभी गुड़िया, चलो प्रिंट आउट निकल के आने लगे, आ गए सारे के सारे, पूरी कुंडली रेडी, अभी तक कोई नाम डिसाइड नहीं किया गुड़िया का, तो अभी तो ऐसे ही निकाल दी शुभम ने, गुड़िया ही नाम लिख दिया, क्योंकि कुंडली तो जो है वो डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग के हिसाब से निकलती है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा सा क्यूट सा नाम रखेंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना कोई अच्छे से क्यूट से नाम गर्ल्स के लिए, बेबी गर्ल्स के लिए, और ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, कोई भी अल्फ़ाबेट के नाम बताओ लेकिन क्यूट नेम होने चाहिए, ठीक है, और जो भी पसंद आएगा हम रख देंगे फिर, और जो भी नेम कमेंट में से हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए मैं स्पेशली शाउट आउट करूँगा अपनी वीडियो में, तो जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे नाम बता दो। चलो फाइनली घर तो आ गए हैं, कैफे क्लोज करके, अभी सूर्य बंदर तू नहाया क्या, नवा नवा सा लग रहा तेरी तुम्हें, चल टॉयलेट कर ले, हाँ
तेरा टॉयलेट रहा, टॉयलेट कर ले। ओए, तेरी तो। सो गाइस, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो है शेरशाह मूवी देख रहा था, और मैंने आधे घंटे की मूवी देखी जस्ट अभी तक, और मुझे तो जो है शुरू के आधे घंटे में गूज़बम्प्स फील होने लगे यार। मतलब यार, जब इंडियन आर्मी की कोई मूवी देखते हैं ना, क्या बताऊँ, विक्रम बत्रा की कहानी यार। सच में स्टार्टिंग की कहानी इतनी अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ कि पूरी एंड तक पहुँचते पहुँचते क्या हाल होगा। तो सच में काफ़ी अच्छी लगी, तो पूरी मूवी देखने के बाद बताता हूँ उसका रिव्यू कैसा है। गाइस, आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड वॉचिंग शेरशाह मूवी, और मैं डिनर करते करते मूवी देख रहा था, और कुछ सीन्स तो ऐसे आए कि मैंने टुकड़ा तोड़ा और मैं बस ऐसे देख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे टुकड़ा रुक गया और मुंह खोल रखा है, और भाई इतना मतलब सस्पेंस आ रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा। वो तो मतलब सच में फौजी की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा एटलीस्ट, कि यार इतना आसान नहीं होता एक फौजी होना। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक फौजी के हाथ में। वो काफ़ी मतलब इमोशनल हो गया था आखिरी में आगे तो मैं तो ना, मतलब विक्रम बत्रा जब आखिरी डीक थी उन्होंने कैप्चर की वापस, तो यार मतलब एक बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म और एक मतलब पैट्रियोटिक फीलिंग भी आ गई एकदम, मतलब पॉजिटिव और जोश से भरी हुई। तो उस टाइप की फीलिंग जो है मल्टीपल फीलिंग्स एक साथ फील कर रहा था, तो काफ़ी अच्छी लगी मूवी सच में, और बहुत मज़ा आया। एंड गाइज, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी मूवी, तो आप भी देख के बताना कैसी लगी। तो गाइज, मैं सोच रहा हूँ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप कि आप लोग आज का व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। एंड गाइज, जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आप लोगों से जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।